दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम में शामिल हुए रातों रात दो दिग्गज खिलाड़ी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, इस साल कप नाम देखी। उम्मीद के साथ एक बार फिर से बैंगलोर की टीम ने आईपीएल की तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच बैंगलोर की टीम को एक साथ दो बड़ी खुशखबरी मिल गई है, जहां पर बैंगलोर की टीम में दो दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी हो चुकी है, जिनके आ जाने से विरोधी टीम में दहशत का माहौल बन गया और बैंगलोर की टीम को जीतने की उम्मीद बढ़ गई है। तो आखिरकार कौन है वो दो महान खिलाड़ी जिनके आ जाने से बैंगलोर की टीम काफी ज्यादा मजबूत बन गई है, ये तो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का 16वां सीजन 31 मार्च से शुरू हो रहा है। उससे पहले रॉयल चैलेंजर बैंगलोर आरसीबी ने एक बार फिर फैसला लिया है, जहां पर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम ने दो दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी रातों रात अपनी टीम में करा दी है। दरअसल ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि इन दोनों के ही पुराने खिलाड़ी और वो खिलाड़ी एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल हैं। आपको बता दें, बैंगलोर की टीम की तरफ से क्रिस गेल को 2018 में रिलीज कर दिया गया था, जिसके बाद क्रिस गेल पंजाब की टीम से खेलने लगे और अब आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में रातों रात क्रिस गेल की एंट्री बैंगलोर की धरती पर हो गई है। दूसरी तरफ बैंगलोर की टीम की तरफ से पिछले साल संन्यास लेने वाले एबी डिविलियर्स की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। एबी डिविलियर्स की धरती पर आ चुके हैं और इनके आ जाने के बाद विरोधी टीम में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। दरअसल क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स बैंगलोर की टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे। ऐसे में दोनों ने आईपीएल के खेलने का निर्णय खत्म किया, लेकिन अब दोनों बैंगलोर की टीम से जुड़ गए, जहां उनको 26 मार्च के दिन हॉल ऑफ फेम में उनकी जर्सी को रखा जाएगा और उसके लिए एक सम्मान समारोह रखा जाएगा। लेकिन इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों बैंगलोर की टीम में शामिल होंगे, जहां पर एबी डिविलियर्स को लेकर पहले ही कन्फर्म हो चुका है कि वो बैंगलोर की टीम के मेंटोर बनेंगे। साथ में क्रिस गेल बैंगलोर की टीम के बल्लेबाजी कोच बनने वाले हैं। ऐसे में इन दोनों के बैंगलोर की टीम में शामिल हो जाने बैंगलोर की जीत की उम्मीद बढ़ गई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार बैंगलोर की टीम अपना पहला खिताब हासिल कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।